I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड अंकुर शर्मा जो है वो मेरे पास आया है. इनको जो है वो कुछ कंपनियों में जो है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मैं इनकी हेल्प के लिए इनके साथ जा रहा हूँ. और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है हम शाम को मंदिर जाएंगे, और मंदिर का रात का व्यू है जो वो बहुत औसम होता है, वो व्यू आपको दिखाएंगे. और ये बंदा जो है वो कैमरा कॉन्शियस है. ये बंदा जो कैमरा कॉन्शियस है, पर इनकी जो आज कॉन्शियसनेस है वो सारी खत्म करेंगे. हर कंपनी वाले बंदे को लेके आने रहे, हमारा वर्कर है ये दे देगा. ऐसी की तैसी मेरा बॉस थोड़ी ना काम करती है. मंजिल प्यारी की. आपने कॉल किया था? कहाँ हो? सुनी यार, मैं इधर आया था ना, वो तू स्टोरी नहीं बता रहा था कौन सी बंदे पे लिख रहा है. हाँ. वो यार भाई भी बोल रहे थे, बोले मैंने स्टोरी लिखानी है अपनी. किस तरह की स्टोरी लिखता है तू, ये बता दे अपनी स्टोरी कैसे. आफ्टरनून सर. आफ्टरनून, कैसे हो? मैं पहले ड्रिंक करता है, उसके बाद वो पैसे वाला होता है, उसके पास पैसा होता है अच्छा खासा. तो उसके बाद वो 25-26 साल का हो जाता है, तब कहीं जाके वो बच्चा बोलता है कि अरे यार ये तो सब कुछ मैंने किया, वो गलत किया. यही है कि वो सिर्फ नशे के ऊपर है. हर दुकान पर हर चीज बिकती है, ठीक है. बच्चे के हाथ में ये चीज पड़ती है, ठीक है. बच्चे के हाथ में ये चीज नहीं पड़नी चाहिए. कुछ मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि ऐसा कुछ लिखा जाए, ऐसा कुछ करा जाए. वो उसकी पूरी जो मैं गया था उससे मीटिंग करने, जो बंदा नशे करता था रियल में जो था, उसकी स्टोरी मैंने सुनने के बाद बस समझ में नहीं आई मुझे, क्योंकि नहीं है वो मेरे को थोड़ा बेवकूफ सा लगा. मैं सर, मैं तो खैर मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं एक्टिंग लाइन से ही हूँ. ओके, तो अब हमने जो है इनके बहुत मजे ले लिए, अब बोरिंग हो गया ये सब. तो अभी जो है हम निकल रहे हैं, जो है वो गिफ्ट किसी को पकड़ाने हैं, फिर उसके बाद वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट खुद करेंगे. सर हमारे बहुत लेजी है, तो काम खुद करते नहीं है. तो मैं इनको बोला भी मैं हेल्प कर दूंगा, तो आप मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि मेरे को भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. वो बात सही है, मेरे को नहीं देता, गोलियां नहीं देता हूँ. मेरे को भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं बोल रहा था कि आप मेरी हेल्प करो, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा. तो टिट फॉर टैट हो जाए, बट ये मानने नहीं. लेट्स गो. सीट तो होगी. ओ मैं कितने बैठिया करूं, ओ जट खब्बी सीट ते गिफ्ट रखदा है. फक ब्रो, लौकी में थोड़ी होनी, बैंक में थोड़ी होनी, इसकी नसें अलग मार कर भाई. ये मैं नहीं डाल सकता. तेरे कौन बोल रहा है इसको रिकॉर्ड कर जाने. मैं तो जेनुअली तेरे से बात कर रहा हूं, तू रिकॉर्ड कर. ये बातें डाली तूने तो तेरे डिस्ट्रिक्ट वाइज केस हो जाएगा. इन लोगों ने मार देने हम लोग. ये तो डिलीट करते यार. ये देख लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं भाई, कोई खिंचाई नहीं भाई. रेल इनकी कौन सी कम है रहा, इनकी लड़कियां पे हैं जो बुरके के अंदर ही शड़ा गया. तो वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, उसके ऊपर मंदिर है. हम शाम को उसी मंदिर में जाएंगे, और उसी पॉइंट से जो है वो सारा शहर दिखता है. जूम करता हूँ, वो देखो मंदिर. तो ये जो मंदिर है, हम इसी मंदिर में शाम को जाएंगे.
और यहीं से जो है वो आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। 5 मिनट में मैं पहुंच गया तेरे पास उधर से। रात को ब्रो ट्रैफिक भी होती है। कितनी ट्रैफिक थी मैं तो आप फिर भी पूरे अंदर गलियों से आए हो। गलियों से आने को किसने बोला आपको? मेरे से पूछ रहे हो कहाँ जाना, मेरे को क्या आपको नहीं पता कितना टाइम हो गया यार? मैं तो इधर नहीं आया ना नैना अपार्टमेंट, धीरे धीरे समझूंगा ना मैं इसको। ठीक है, एक बार में थोड़ी समझ गया फिर दोबारा किस लिए आऊंगा। गाँव जैसा माहौल है यहाँ पे, तो ये सिर्फ एकलौती जगह बद्दी की है जो मेरे को अपने गाँव की तरह लगती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो खुला खुला है। करी थी तो जिप जिप है करना, मैं उतरी ना बुढ़े ही वो मारी ना हमें तो जो मेरे इस सिचुएशन में मेरे से भी गाड़ी निकली। लगी है नहीं लगी है वो आज तो आनी थी, पर भाई वो पूरी आ गया था वो, ये कर क्यों रहा था पीछे? नहीं अपने सुपरवाइजर को दे दिया कम, अब आप नहीं दोगे ना गिफ्ट? नहीं नहीं। हाँ तो वही चीज वही चीज तो सीखना चाहता हूँ हम होते, हमें खुद ही करना पड़ता है ये सब कुछ। क्यों अभी हमारे पास इतने पैसे थोड़े ना कि हम किसी को रख सके। दिवाली का गिफ्ट ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली ब्रो। ये वो भाई ये लाइक अपने अंकल आंटी को दे दियो ना, हैप्पी दिवाली मास्टर बात ये रख ले तेरे पास आई है अंकल आंटी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सबको। बैठेंगे बाद में आएंगे कभी। अगर फिर भी कम पड़े तो बता देना ठीक है। अभी तेरे पास 70 पीस आ गए हैं टोटल, उनको मिला के ठीक है। 60 पीस ये हैं और 60 पीस ये हैं और एक वो ये तेरा। अब सर आते रहेंगे, अब हम आ गए हैं यहाँ पे, बाकी तेरे को बाद में देखते हैं ठीक है। हाँ फिलहाल हाँ तो देख लो अब ये, चल मैं रखा देता हूँ। कोई नहीं सर आप रखवा दें क्या? रखवा दें उठा देते हैं यार एक एक पेटी से। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ यार ये तो नई चीज है, मर दिया एंड खेती भी हो रही है वहां पे पिंडू में। अब ले जाएंगे महबूब? हाँ जी नहीं नहीं आंटी चाय नहीं, चाय पी के आए हम, चाय के चक्कर में तो अभी आए। भाई फनी हो आप, गाड़ियां ना दो तो आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो अब जो है हम गिफ्ट गुफ्ट दे के जो है वो फ्री हो गए हैं, तो आज का जो हमारा ऑफिशियल काम था वो हो गया है। भूख जो है हम दोनों को लग गई है, दोनों को जल्दी जल्दी से खाना चाहिए, तो हम सीधे ढाबे के लिए निकल गए। आप क्या खाओगे? मैं क्या खाना? क्या पराठे? बस थाली। हाँ भाई एक सिंपल थाली और दो परांठे बटर वाले ठीक है। तवा परांठा चाहिए, तंदूरी नहीं चाहिए? तवा नहीं है? हाँ पॉइंटर दो तवा पराठे बना दो, घंट वाले बनाने और बिल्कुल फिल होने चाहिए। और भाई के लिए कॉफी बना दो एक, और सर के लिए एक थाली लगा दो ठीक है। साथ में बैठो साथ बना दो। अभी आपको मिलाते हैं अपने फ्रेंड अनूप भैया से। तो
पंजाबी फूड प्लाजा हम सर्व कर रहे हैं लाइफ के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जी रहे हैं, वही हमारा मोटो है, सर्विंग फॉर लाइफ एंड लिविंग फॉर द ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आप डिलीशियस फूड, नॉर्थ इंडियन करीज, चाइनीज़ आइटम, इसके साथ आप साथ में तंदूर से जो भी आपको चाहिए वो आप इंजॉय कर सकते हैं। आई होप जब भी आप व्यूअर्स जब भी यहाँ पे आएँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, हम आपको सर्व करें, यही हमारे लिए बड़ा पुण्य काम होगा। तो जैसे आपको भैया ने बताया यहाँ पे बहुत डिलीशियस फूड मिलता है और ये जो ढाबा है ये पूरा NH के सामने है, बदी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, तो आप जब भी आओ भैया का खाना फूड इंजॉय करो और यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है और आप मैनुअली मतलब कस्टमाइज करवा सकते हो अपने खाने को, जैसे मर्जी आप बोलोगे वैसा ये खाना तैयार करके देंगे, ठीक है भैया। और इसके अलावा हम पंजाबी फूड प्लाजा के नाम से जोमेटो पे भी हैं और स्विगी पे भी हैं, तो वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आपको भैया ने बताया जो है स्विगी और जोमेटो में भी है, तो स्विगी और जोमेटो में जो भी बद्दी एरिया के व्यूअर्स हैं हमारे वो भैया के पास ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ भी चाहे वो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो इन्होंने अपने होटल का नाम बता दिया, आप स्विगी में जाइए, सर्च करिए और इनके इनको बढ़िया से बढ़िया ऑर्डर दीजिए। तो अभी जो हमारा खाना लग रहा है फिर उसके बाद जो है खाना खा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, check.